बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम सामईन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नरमीन नाम का मतलब और इसकी मज़ीद तफसीलात क्या है। ये नाम इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है या इसके स्पेलिंग क्या है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नाम की इब्तदाई तारीख अरबी जुबान से निकलती है। मज़हब है मुस्लिम, यानी इस नाम का शुमार इस्लामी नामों में किया जाता है। जिन्स है लड़की, यानी इस नाम का शुमार लड़कियों के नामों में किया जाता है। नरमीन के मुख्तसर इंग्लिश मीनिंग है सॉफ्ट, काइंड, जेंटल। उर्दू मायनी है नरम व मुलायम, मेहरबान। नरमीन नाम का मुमकिन तौर पर ज़्यादातर इस्तेमाल जिन ममालिक में किया जाता है उसमें सरफ़रिस्त है मॉरिशस, नंबर दो पर है पाकिस्तान और नंबर तीन पर है तंजानिया। इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले दिनों में शामिल है जुमा और हफ्ता। नंबर तीन को इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले नंबरों में शुमार किया जाता है, जबकि लोहा को इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाली दातों में शुमार किया जाता है, और इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले रंगों में शामिल है नीला, बनफशी और काला। नीलम नामी पत्थर को इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले पत्थरों में शुमार किया जाता है। इस नाम के अफराद के बारे में ये समझा जाता है कि ये ज़िंदगी की बारीकियों को जानना चाहते हैं और ज़िंदगी के हर पहलू को समझना चाहते हैं, जो कि नामुमकिन है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप किसी और नाम के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपका पूरा नाम क्या है ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।